अंग्रेज चले गए लेकिन जाते जाते हमें ये राइफल दे गए, सॉरी बंदूक दे गए। हिस्ट्री की किताब में आपने अक्सर देखा होगा कि 1857 में जब हिंदुस्तान की आजादी की पहली लड़ाई हुई थी तो दोनों तरफ के सिपाही ऐसी ही बंदूक हाथ में लेके घूम रहे थे। पता नहीं उस समय इस बंदूक से किसी ने गोली चलाई थी या नहीं, पर मुझे ये बंदूक 1857 से भी ज्यादा पुरानी लगती है, क्योंकि इसमें से जो गोली निकलती है ये वाली बहुत ही अजीब गोली है। एक तो ये गोल है, ऊपर से इसके चारों तरफ कांटे लगे हुए हैं, लोहे के कांटे। बहुत खतरनाक गोली है ये, एक बार किसी को लग गई तो आदमी सीधा होगा। एक तो ये पुरानी गोली है और इस पे कोई निशान नहीं मिलते, मिलेंगे कहां से? निशान लगाने की जगह हो तभी तो निशान मिलेंगे ना। और एक बात, उस समय की बंदूक पे या इस बैरल के अंदर राइफलिंग के निशान नहीं मिलते थे, इसलिए मैं इसे बंदूक कह के बुला रहा हूं, राइफल नहीं कह रहा हूं। तो जैसे ही ये गोली डॉक्टर साळुंखे को मिली हम सब लोग चकरा गए कि इतनी पुरानी गोली किसी को मिली कैसे, और तो और इतनी पुरानी बंदूक किसी के हाथ में कहां से आई, और मालूम है खून किसका हुआ था? बेचारी जवान लड़कियों का। लोग भी न जाने कहां कहां से नए नए तरीके ढूंढ के लाते हैं खून करने के। आज मैं आपको कैपिटलिज्म मतलब कि पूंजीवाद के नुकसान के बारे में बताऊंगा। नाम सुन के ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ रुपयों की बात होती है, पर सच में ऐसा होता नहीं है। क्या यार, लगता है आज ये फिर से पकाने वाला है। अब मैं आपको स्केच के द्वारा बताना चाहूंगा कि ये कैपिटल किस तरीके से एविल्स ऑफ कैपिटलिज्म, दिस इज अ ग्राफ फॉर दिस, किस तरीके से गरीबी को बढ़ाया जाता है। तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है क्लास के अंदर? इधर आओ। सर वो मैंने कहा इधर आओ। हाथ में क्या? कुछ नहीं सर। दिखाइए हाथ में क्या छुपा रहे सर। मारेगा मुझे, मारेगा मुझे? नहीं सर ये मार। सर मार। सर वो आई लव पता है विजय के हाथ पैर कांप रहे थे जब उसे प्रोफेसर ने पकड़ा था। झूठ मत बोला। अच्छा तो सबसे पूछ लो। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे? हाँ एक बार बोलूं, आंसू भी टपक रहे थे तेरे। ओके ओके ओके, हम इसी से पॉइंट पे आते हैं। और मेरा पॉइंट ये है कि आने वाले वीकेंड पर हम सब मेरे अलीबाग वाले फार्म हाउस पर पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे। और सैटरडे की क्लासेस बंक करेंगे ना यार, बंक करेंगे। नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि मैं आ सकूंगी। क्यों? तू तो जानती है ना, घर पहुंचने में अगर 10 मिनट लेट हो जाता है तो अंकल मेरी क्लास ले लेते हैं। साक्षी अगर तुम नहीं चलोगी तो मजा नहीं आएगा। अब क्या करूं यार, अंकल की बात टाल नहीं सकती, मॉम डैड के बाद उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा है। अगर साक्षी नहीं आ रही तो पिकनिक कैंसिल। निशा तुम्हारा क्या कहना है? हाँ साक्षी को तो आना ही चाहिए। अरे साक्षी तू फिकर मत कर, मैं तेरे घर आकर तेरे अंकल को मना लूंगी, ठीक है? पर कैसे? अरे यार कह दूंगी ना, एग्जाम्स आ रहे हैं
साक्षी को पढ़ने मेरे घर भेज दो और क्या। कौन? चल चलते हैं। बाय। अपना भी जिम का टाइम हो गया, अपन भी निकलते हैं। ठीक है ओके। सी कौन? मैं। चलो मुझे भी जाना है लाइब्रेरी। बाय। क्या हो रहा है? तुम्हारा मूड ऑफ है। क्यों? साक्षी पिकनिक नहीं जाएगी तो पिकनिक कैंसिल? निशा कम हो, साक्षी थी एक जमाने, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल। क्या कर सकते हो मेरे लिए? अरे अपनी जान दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। ओ रियली? ठीक है ये पीकर दिखाओ। ये क्या है? जहर। जान दे सकते हो ना तुम मेरे लिए, तो पी जाओ इसे। अच्छा मजाक है। पर ये मेरे लिए मजाक नहीं है। निशा, अरे निशा ये क्या किया तुमने? निशा, अरे अरे कोई पानी लेके आओ यार। डर गए? डर गए ना? अपनी शक्ल तो देखो। पागल हो गई हो? तुम्हें पता है कि मैं कितना डरा हुआ था? इस बार तो जहर नकली था, अगली बार असली भी हो सकता है, समझे तुम? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ साक्षी। हाँ ठीक है मनीष। साक्षी I really love you साक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मनीष क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम? तुम पूजा की बॉयफ्रेंड हो और पूजा मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। लगता है फ्रेडी सर बहुत सीरियसली कोई काम कर रहे हैं। क्या देख रहा है? क्या कर रहे हैं आप सर? विवेक जब भी कोई सीनियर ऑफिसर इतनी ध्यान से काम कर रहा होता है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अरे कब सीखेगा तू? सर मैं तो बस पूछ ही रहा था सर। क्या हो रहा भाई? तो वो फ्रेडी सर कुछ काम कर रहे थे बहुत सीरियसली और मैंने गलती से उन्हें डिस्टर्ब कर दिया सर। फ्रेडी सर काम कर रहे थे? यस सर। ये सूरज कहां से निकला है? सर आप भी विवेक के साथ मिलकर मेरी टांग खींच रहे? अच्छा अच्छा कोई फ्रेडी की टांग नहीं खींचेगा समझे? फ्रेडी वैसे तुम ना मुझे बता सकते हो तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे थे? सर मैं पेपर की पर्चियां बनाकर इसमें डाल रहा था। पर्चियां? लॉटरी है क्या? बस ऐसे ही समझ लो। सर मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग पिकनिक पे जाएं। पिकनिक? हाँ। सर ये रोज रोज के मुर्दे खून खराब है ये सब देखकर ना मेरा दिमाग पक गया सर, इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग पिकनिक पे जाए। आइडिया अच्छा है। केरला चले? सर गोवा चलते हैं सर, मुझे बीचेस बहुत पसंद है सर। नहीं अरे नागालैंड चलते, सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट बहुत ही खूबसूरत है यार। लो फ्रेडी अब क्या करें? सर इस पर्ची पे हम सबका नाम लिखा हुआ है सर, जो भी ये पर्ची खोलेगा और जिसका नाम आएगा वो इस पिकनिक का खर्चा उठाएगा सर। विवेक एक काम कर तू पर्ची उठा। सब मतलब ये सबको मानना पड़ेगा? अरे भाई मानना पड़ेगा, फ्रेडी ने लिखा है, इतनी मेहनत की है तो। चलो ठीक है। किसका है? विवेक पिकनिक का सारा खर्चा उठाएगा। यस सर। तूने फंसा दिया विवेक को यार। क्या करूं सर, ये है ना ये बच्चा हमेशा मेरा उल्लू बनाता रहता है सर। अच्छा लेकिन
विवेक का ही नाम कैसे निकला? सभी पर्ची पे उसी का नाम है सर। हेलो सीआईडी ब्यूरो, क्या स्टूडेंट का खून कहां पे? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। लो हो गई पिकनिक। गोली मारी गई से ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। मैंने लाश को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर। साक्षी मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड थी, आज तक उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो फिर कोई उसे क्यों मारेगा? ये बॉडी की पोजीशन देख के ऐसा लगता है कि गोली शायद यहां इस कमरे से ही चली। रेडी विवेक, इस कमरे के अंदर जाके चेक करो, शायद गोली अंदर से ही चली होगी। जल्दी करो। तो तुम लोग यहां पिकनिक मनाने आए थे? जी सर। पिकनिक के बहाने खून कर दिया इसका? सर ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी सर, हम इसका खून कैसे कर सकते हैं? खून तो किया है, और तुम में से ही किसी ने किया। ये फार्म हाउस किसका? मेरा। और ये पार्टी भी तुमने ऑर्गेनाइज की थी है ना? जी सर। इसका मतलब है तुम इन लोगों को यहाँ लेके आए है ना? हाँ सर, मगर खून थोड़ी ना मैंने किया सर। ठीक है, तुम ब्यूरो चलो हमारे साथ, सब पता चल जाएगा। सर खून किसी और ने किया है और आप किसी और को पकड़ के ले जा रहे हैं। किसने किया है खून? हाँ सर खून। अमेरिका चप्पा चप्पा छान मारा था, कुछ भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, इसे पता है कि खून किसने किया है। सर इसने। क्या मनीष? क्या मैंने ये पूछा? तुम क्या कह रही हो, मैंने खून नहीं किया? सर कल जब डांस के बाद साक्षी बार में ड्रिंक लेने गई, क्या मनीष बोलो ये सच है, बोलो मनीष बोलो ये सच है, बोलो। हाँ लेकिन मैंने साक्षी का खून नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। तेरे सच की तो ऐसी की तैसी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। हम लोग अभी है यहाँ पे। राहुल राहुल मैं सच कह रहा हूँ, मैंने साक्षी का खून नहीं किया, खून जरूर इस निशा ने किया है। ये साक्षी से जलती थी और अब मेरा नाम लगा रही है। मनीष तू ये क्या कह रहा है, निशा का नाम ले रहा है? एक मिनट, तुम जरा ब्यूरो चलो हमारे साथ। मैं सच कह रहा हूँ सर, सर मेरी बात का यकीन करिए, मैंने साक्षी को नहीं मारा। तुमने कल रात साक्षी को छेड़ा था ना? हैं? मैंने? हाँ। सर मैं ऐसा कर भी कैसे सकता हूँ? तुमने छेड़ा था, हमें पता है, और जिसने तुम्हें ऐसा करते देखा था उसने बताया हमें। सर वो निशा, सर वो मुझसे जलती है, सर वो झूठ बोल रही है। झूठ पे झूठ तुम बोलते जा रहे हो। दोनों कान से उठा के ऐसे लटकाऊंगा तुम्हें, दो मिनट में गाने गाने लगोगे समझे? सर मैं उसे छेड़ नहीं रहा था,
मैं बस बता रहा था कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। और बताते बताते उसका खून कर दिया। नहीं सर। देखो हमें पता है कि तुम पूजा से प्यार करते हो। सर वो अभी भी करता हूँ। तो फिर साक्षी के पीछे क्यों पड़ा था? सर वो बस ऐसे ही। फोन करो इसके घर वालों को। नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। फ्रेडरिक्स। यस सर। फोन करो इसके डैडी को। चल बेटा नंबर बता। सर प्लीज ऐसा मत करिए, उनको बहुत शौक लगेगा सर। अच्छा तो अब जाके ख्याल आया आपने माँ बाप का क्यों? नहीं सर। साक्षी ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया होगा सर कि बाहर जाके सबको बता दूंगी कि इसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा इंसल्ट किया और इस भाई साहब ने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। नहीं सर। अब तो इसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा। फोन करो इसके घर पर। करो फोन। ये लो शुरू हो गया। मनीष ये ड्रामा बनकर, ये कॉलेज का रंगमंच नहीं है। डॉक्टर दवाई का प्रिस्क्रिप्शन है किसी डॉक्टर अनीता के क्लिनिक का है सर। किसी हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। हाँ सर। डॉक्टर अनीता। अच्छा हुआ आप इसे वक्त पर ले आए, वरना न जाने क्या हो जाता। मगर डॉक्टर मनीष को एग्जैक्टली हुआ क्या है? इसे होप्लोफोबिया कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। होप्लोफोबिया? जी हाँ, ये एक तरह का डर है, एक तरह का फोबिया। इसमें आदमी को गन, बंदूक, टैंक, इस तरह के हथियारों से बहुत डर लगता है। ओह, तो आपके कहने का मतलब है कि मनीष किसी बंदूक या पिस्टल से किसी का खून नहीं कर सकता क्योंकि उसे इन सब चीजों से डर है। इज दैट एसीपी साहब, खून करना तो दूर की बात है, ये बंदूक की फोटो तक देख नहीं सकता। बात थोड़ी अजीब लगती है डॉक्टर। आपको अजीब लगती होगी, पर पिछले 3 सालों से मैं इसका इलाज कर रही हूँ, तब जाके ये कंट्रोल में आया है। पहले इसकी हालत बहुत बुरी थी। मनीष डॉक्टर प्लीज। सर आपके ब्यूरो में वो बंदूक की फोटो देखे मैं डर गया था। डॉक्टर मुझे वहां नहीं जाना। डॉक्टर मुझे वहां नहीं जाना। डरो नहीं मनीष, डरो नहीं, तुम्हें कोई नहीं लेकर जाएगा। अभिजीत, अगर मनीष ने कुछ किया नहीं है तो फिर साक्षी का खून किया किसने? माफ कीजिएगा ओम प्रकाश जी, आपको ऐसे वक्त में तकलीफ दे रहे हैं। सर पता चला खून किसने किया है? नहीं अभी तक तो नहीं, उसी बारे में हम इनसे कुछ बात करने आए हैं। ओम प्रकाश जी, साक्षी की किसी से कोई दुश्मनी थी? वो तो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, उसका तो कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। कोई नहीं। कोई तो था, तभी तो उसका खून हुआ है। आपको किसी पर शक? नहीं, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। फिर भी कोई? हाँ, एक 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 लड़का है। कौन? वो राहुल। राहुल? तेरे सच की तो ऐसी की तैसी छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। राहुल तो साक्षी का बॉयफ्रेंड था, वो तो उससे बहुत प्यार करता था, भला वो क्यों मारेगा साक्षी को? मुझे वो लड़का शुरू से ही पसंद नहीं था, मेरे एक नंबर का गुंडा आवारा लड़का था। मैंने कितनी बार साक्षी से कहा कि उसे दोस्ती छोड़ दे, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी उसने। अब देखिए। अंकल ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि मैंने भी कई बार साक्षी को समझाया था कि राहुल से रिश्ता तोड़ दे, पर वो राहुल के प्यार में इतनी पागल थी कि उसे और कोई दिखाई नहीं देता था। पर राहुल तो तुम्हारा भी फ्रेंड था ना, तो फिर तुमने साक्षी से क्यों कहा कि राहुल से रिश्ता तोड़ दे? सर राहुल एक मेनियक है, पागल है वो, पागल। क्या पागल है? हाँ, क्योंकि साक्षी उसके सामने
किसी दूसरे लड़के के साथ बात तक नहीं कर सकती थी। और इस बात को लेकर उन दोनों में कई बार झगड़ा भी हुआ था। और तो और कई बार क्या? कई बार राहुल साक्षी पर हाथ भी उठाता था। क्या राहुल साक्षी को मारता था? जरूर जरूर, उसने ही मारा मेरी बच्ची को, उसी ने मारा। और मुझे तो डर है कहीं वो सबूत मिटाने के लिए किसी और का भी खून ना कर दे। अंकल, क्या हो रहा है? This is classroom. इसी वक्त क्लास से निकल जाओ वरना मैं कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। Get lost. Get lost. अगर किसी ने भी मेरे और उसके बीच में आने की कोशिश की ना, मैं उसे भी जान से मार दूंगा। Get lost. छट। मैंने साक्षी का खून किया, अब मनीष को मारने चला तू? हाँ सर, मैं तो मजाक कर रहा था सर। कॉलेज में चाकू लेके आता है? हाँ चाकू। क्यों, बहुत बड़ा भाई है तू? मारामारी करता कॉलेज में, पहले साक्षी का खून कर दिया और अब मनीष को मारने पहुंच गए? सर, मैंने किसी का खून वो नहीं किया है सर। पर वो गन कहां से लाया? कौन सी गन की बात करें सर, साक्षी मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, प्यार करता था मैं उससे, प्यार। हाँ, तुम्हारे प्यार की निशानी देख ली हमने, साक्षी की लाश। सर, मैंने साक्षी को नहीं मारा सर, ये सब उसी मनीष ने किया है, उसी ने साक्षी को मारा है और इसलिए मैं उसे मार रहा था सर। मैं उससे साक्षी की मौत का बदला लेना चाहता था। साक्षी के अंकल ने भी तुम्हारा नाम लिया है। वो तो हमेशा से ही मुझसे चिढ़ते हैं सर, हमेशा से, क्योंकि मैं गरीब घर का लड़का हूं ना, अगर मैं भी उनकी तरह अमीर घर का लड़का होता तो शायद वो ऐसी बात कभी नहीं करते सर, कभी नहीं। और पूजा, वो तो तुम्हारी दोस्त है, वो झूठ क्यों बोलेगी? पूजा ने क्या कहा? यही कि तुम एक मेनियक हो, तुम नहीं चाहते थे कि साक्षी किसी दूसरे लड़के से बात करे, तुम उस पर मरते थे, इसलिए तुमने साक्षी का खून कर दिया। क्या? नहीं नहीं सर, ये सब झूठ है सर, सब बकवास है सर, सब झूठ है। झूठ है? साक्षी का खून भी एक झूठ है? हाँ सर, साक्षी पर हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है सर, बहुत दूर की बात है। मैंने तो आज तक उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और सर, अगर मुझे उसका लड़कों के साथ उठना बैठना इतना ही अकड़ था, मैं उसे विजय के फार्म हाउस पर क्यों लेकर जाता सर, क्यों? जरा सोचिए सर, जरा सोचिए, विजय का फार्म हाउस मतलब उसके एक्स बॉयफ्रेंड का फार्म हाउस। मनीष, तू ये क्या कह रहा है? तो फिर पूजा ने तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहती है सर। कैसा बदला है? सर, पूजा ने पिछले वैलेंटाइन्स डे पर मुझे प्रपोज किया था। क्या, पूजा ने तुम्हें प्रपोज किया था? पर सर, वो तो मनीष की गर्लफ्रेंड है ना? मनीष तो उसकी जिंदगी में बहुत बाद में आया सर, बहुत बाद में। सबसे पहले तो उसने मुझे प्रपोज किया था, मुझे। फिर क्या, मैंने उसे मना कर दिया। क्यों, पूजा तुम्हें पसंद नहीं थी? नहीं, मैं साक्षी से प्यार करता था और पूजा को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि मैंने उसे ठुकरा कर उसकी बेस्ट फ्रेंड साक्षी को डेट पर ले जाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर सालुंके, हाँ ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। यार अकेले ही देखोगे या हमें भी कुछ बताओगे? देख लो, तुम भी देख लो। क्या है? यही मैंने पूछा था, क्या है? तो क्या जवाब दिया डॉक्टर तारिका ने? एक्सक्यूज मी, ये गोली मैं चेक कर रहा था और ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा था। भाई देख, डॉक्टर तारिका मुझसे सवाल पूछती है, मैं डॉक्टर तारिका से सवाल नहीं पूछता। अच्छा ठीक है सुन के, ये बताओ ये है क्या? बस ये वो गोली है जिससे साक्षी मरी है या जिससे साक्षी को मारा गया। बड़ी अजीब गोली है। देखें सर, देख लो, लेकिन कुछ मत पूछना, तारिक आ जाए तो उसी से पूछना। ये बताओ क्या ये गोली कोई नई तरीके की है? पता नहीं बॉस, ये क्या है, लाश के अंदर से मिली है, मुझे लगता है कि बहुत ही पुरानी गोली है। सर, रिपोर्ट मिल गई है। हाँ बता, क्या पता चला?
इधर लाओ फाइल। कोई बात नहीं, फाइल दे दी। तुम ऐसे ही बता सकती हो क्या मिला? सर ये गोली करीबन 60-70 साल पुराने गन से चली है। क्या? इस तरह की गन 60-70 साल पहले हुआ करती थी, अब ये कहीं नहीं मिलती। इतनी पुरानी गन से क्यों मिली? और तो और बॉस, साक्षी के पेट में से हमें थोड़ा अल्कोहल भी मिला है, शराब। सर ये लोग पार्टी करने फार्म हाउस में गए थे तो वहाँ शराब वगैरह भी पी ली होगी। आजकल के ये जवान लड़के लड़कियां शराब पीने लगे हैं, ये बात ठीक नहीं है सर। इनके माँ बाप को लगाम कसनी चाहिए। और सर ये गन इनके हाथ में आई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। गन इतनी आसानी से नहीं मिलती, और वो भी एक 70 साल पुरानी गन। वही तो, एक तो ये गन, ऊपर से इतनी पुरानी गन। कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से साक्षी का खून इस गन की वजह से हुआ है, पर क्या? आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। ये गोली STY.22 नाम के बंदूक की है। STY.22? जी हाँ, काफी पुरानी बंदूक है, पहले वर्ल्ड वार का समय की है। वैसे इसका इस्तेमाल दूसरे वर्ल्ड वार में भी किया गया था। ओ, इतने पुराने जमाने की बंदूक किसके पास हो सकती है? एक मिनट। इस तरह के तीन बंदूकें अभी भी हैं, दो तो म्यूजियम के पास हैं और तीसरी कर्नल लखबीर के पास है। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार की लड़ाई भी लड़ी है। कर्नल लखबीर? अच्छा, इनका एड्रेस होगा आपके पास? जी, ये कर्नल लखबीर का ही घर है ना? जी हाँ, वो मेरे दादाजी थे। थे मतलब? जी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया में नहीं? जी हाँ, 2 साल पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। पर आप लोग कौन? हम लोग CID से हैं। CID? जी। हमें कुछ बात करनी थी, अंदर आ सकते हैं क्या? आइए। थैंक यू। ये ट्रॉफीज और मेडल ये सब कर्नल लखबीर के हैं? जी हाँ, मेरे दादाजी ने वर्ल्ड वॉर टू में लड़ाई लड़ी थी। मतलब 60 साल पहले? जी हाँ। अच्छा, तो फिर तुम्हारे दादाजी के पास कोई राइफल वगैरह बंदूक वगैरह तो होगी? बंदूक? हाँ, मेरा मतलब है जैसे कि HTY.22 राइफल। हाँ, ऐसी कोई बंदूक थी तो सही। इस वक्त वो बंदूक है कहाँ? वो तो कुछ महीने पहले ही चोरी हो चुकी थी। चोरी हो चुकी है? आपने कंप्लेन वगैरह कुछ लिखवाया? जी, लिखवाई तो थी, पर ना तो अब तक पुलिस को चोर मिला है और ना ही बंदूक। ओह, आई सी। अच्छा, बंदूक की गोलियां भी थी क्या साथ में? गोलियां? घर पर तो सिर्फ बंदूक थी। घर पे गोलियां नहीं थी? कमाल है, इतनी पुरानी बंदूक की गोलियां उसे मिली कहां से? जी बेटे, ये बताओ, ये तुम्हारे दादाजी के साथ था, ये कौन है? जी, ये मेरे दादाजी और उनके बहुत अच्छे दोस्त ओम प्रकाश अंकल हैं। ओम प्रकाश और कर्नल लखबीर दोस्त थे? जी हाँ, पर बात क्या है? एक्चुअली ओम प्रकाश जी की भतीजी साक्षी का खून हो गया है। व्हाट? साक्षी का खून हो गया? तुम साक्षी को जानती होंगी है ना? जी, वो कुछ खास नहीं, बस थोड़ी बहुत दोस्ती थी मेरी उसके साथ। तो बेटा, तो उसके आसपास के लोगों को भी जानती होगी? अब थोड़ा बहुत। तुम्हें क्या लगता है, उसके आसपास के लोगों में से किसी ने ये साक्षी के साथ किया होगा? मेरा मतलब है, यू नो, साक्षी का खून किया होगा? पिछले साल मैं उसके बर्थडे पार्टी पे गई थी। पिछले साल क्या हुआ था वहाँ पे, कुछ याद है तुम्हें? पूजा और निशा आपस में कुछ बातें कर रही थी। दो लड़कियाँ ऐसे बात कर सकती है, ये देखकर तो मैं हैरानी रह गई। अच्छा, क्या बातें हो रही थी उन दोनों के बीच में? पता नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे वो लोग साक्षी से कुछ बदला लेने की बात कर रहे थे। क्यों बदला लेना चाहते थे? ऐसा
ऐसा क्या बिगाड़ा था साक्षी ने? ऐसे लग रहा था जैसे साक्षी और राहुल ने कुछ किया था उसके साथ। राहुल ने और साक्षी ने, ये चक्कर है। राहुल ने भी कहा था कि सर ये पूजा बहुत जलती थी साक्षी से। इस पूजा से मिला जाए। अरे दरवाजा खुला है, पूजा को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? तो देखो घर को अच्छी तरह से, फ्रेडरिक्स देखो। पूजा, 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 है क्या? नहीं सर। इसे बाहर निकालो। संभल के। मर गई सर। पलटाओ इसे। किसी ने गोली मारी है इसे। इसका सारा का सारा सामान वैसा ही सर, कोई तोड़फोड़ का निशान भी नहीं है। खून किसी जान पहचान वाले ने किया है। हो सकता है खून किसी लड़की ने किया हो। वो कैसे सर? दया, कर्नल की पोती बता रही थी कि पूजा और निशा दोनों साक्षी को सबक सिखाना चाहते थे। और राहुल भी तो कह रहा था सर कि पूजा साक्षी से जलती है। तो पूजा की जलन इस हद तक पहुंच गई थी। हो सकता है साक्षी के खून में पूजा का भी हाथ हो। सर मुझे लगता है कि पूजा और निशा, इन दोनों को मालूम था कि साक्षी की मौत कैसे हुई। इनका आपस में झगड़ा हुआ होगा और निशा को लगा होगा कि पूजा किसी को बताने दे, इसलिए निशा ने पूजा का खून कर दिया। निशा, चलो मैं बाद में बात करती। आप लोग यहाँ? टेंशन हुई हम लोग को यहाँ देख कर? नहीं तो मैं बोलू सर। हाँ तुम ही बोलो, बुरी खबर है। कौन सी बुरी खबर? हम लोग तुम्हें गिरफ्तार करने हैं। मुझे? पर क्यों? दो दो खून किए और पूछ रही है कि क्यों? दो दो खून? हाँ, साक्षी का और पूजा का। ओ माय गॉड, पूजा का भी खून हो गया? ये हो क्या रहा है? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। खून तुमने नहीं किए तो फिर किए किसने? मुझे नहीं पता। साक्षी की बर्थडे पार्टी में तुमने और पूजा ने प्लान बनाया था ना कि साक्षी को सबक सिखाना। क्या वो पूजा उस टाइम नशे में थी, कुछ भी बकबक कर रही थी। हाँ डॉक्टर साहब, दे क्या? ठीक है, ओके सर। क्या हुआ सर? पूजा का खून भी HTY.22 की गोली से किया गया है। CID सर, आप मेरे दुकान पे, आपके पास तो सारे हथियार हैं। क्या क्या चाहिए? एक खून हुआ है। सर मैंने खून नहीं किया है। हाँ तुमने खून नहीं किया है, लेकिन तुमने शायद किसी को गन वगैरह दी होगी। सर जब तक मैं पूरी तरह से लाइसेंस नहीं देखता हूँ तब तक गन नहीं बेचता। बेचता क्या, मैं हाथ तक लगाने नहीं देता सर। हाँ ठीक है, सुन लिया। सब तरह की गन रखते हो ना तुम? सर तोप और टैंक को छोड़कर सभी मिल जाएंगे सर। अच्छा, ये HTY.22 का नाम सुना है? HTY.22 ये क्या चीज है सर? HTY.22 एक राइफल है, वर्ल्ड वॉर के जमाने की, समझे? इससे पहले मैंने नाम नहीं सुना इसका। देखो झूठ मत बोलो, समझे? सर मैं सच कह रहा हूँ सर। इस बंदूक के लिए तुमने गोलियां मंगवाई थी? सर मैंने इससे पहले बंदूक का नाम न गोली का नाम सुना है। ये गोलियां ऐसे गोल होती है और उसे चारों तरफ से कांटे होते हैं। गोलियों के ऊपर कांटे? कैसे गोलियां? इस बंदूक के लिए गोलियां मंगवाई थी क्या? नहीं,
नहीं सर जी, मैंने नहीं मंगवाई थी। तो फिर ये चेहरे का रंग क्यों उतरा तुम्हारे? सर मेरा रंग तो ऐसा ही है। अच्छा इधर आना सर। हाँ सर, कुछ दिन पहले मैं स्मगल करके गोली मंगवाई थी सर। कहाँ से? इटली से सर। इटली से? हाँ सर, इटली के म्यूजियम से चोरी करवाई थी। चोरी भी करवाता है? हाँ सर, पुराने बंदूकें और पुराने गोलियों को बेचने से अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं सर। किसके लिए मंगवाई थी? सर एक म्यूजियम में काम करता है सर। कौन से म्यूजियम है? क्या नाम क्या है इसका? सर विक्की विकास विजय नाम है उसका सर। विजय विजय ने गोलियां मंगवाई थी। देखो ये लड़का है वो। हाँ सर यही था वो। ये लड़का कॉलेज में पढ़ता है, म्यूजियम में काम नहीं करता, समझे? सर जब हमसे मिला था तो यही कह रहा था कि किसी म्यूजियम में काम करता है। अब करेगा ये नौकरी म्यूजियम में। सर आप लोग, पूजा और साक्षी के खूनी का कुछ पता चला? हाँ पता चला। कौन है वो? यही है ये तुम्हारे बाजू में खड़ा। अरे नहीं निशा। विजय तुम? सर ये आपको जरूर कोई गलत फहमी है। गलत फहमी हुई है बेटा, कभी म्यूजियम देखा है क्या? म्यूजियम? सर म्यूजियम? हथियार खरीदने का बहुत शौक है तुम्हें म्यूजियम से? सर आप लोग ये क्या कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर इसे ब्यूरो ले चलते हैं सर, वहां पे ना सब याद आ जाता है, समझा? चल लड़की को छोड़, कोई आगे मत आना, कोई आगे मत आना। साक्षी और फिर पूजा का खून मैं नहीं किया। पूजा को क्यों मारा तुमने? क्योंकि उसे पता चल गया कि साक्षी का खून मैंने किया, तो फिर उसकी जुबान बंद कर दी थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिस इंसान से मैं प्यार करती वो एक खूनी निकलेगा। और साक्षी उसका खून क्यों किया तुमने? पैसों के लिए। पैसों के लिए? हाँ मुझे मुझे 5 लाख रुपए दिए गए थे उसका खून करने के लिए। पैसे दिए थे? पैसे दिए किसने थे? पैसे मैं कहाँ हूँ? सीआईडी ब्यूरो में हो, चलो उठो। उठो उठो, नाटक मत करो और चौंच खोलो अपनी। हाँ मैंने ही पैसे दिए थे विजय को, मैंने ही उससे कहा था कि फार्म हाउस में पिकनिक का प्रोग्राम बना ले। मैंने सोचा था कि वहां वो साक्षी को आराम से मार डालेगा और किसी का शक भी मुझ पर नहीं जाएगा। और वो गन? गन किसने चुराई थी? कर्नल अकबीर के यहां से? मैंने ही चुराई थी। उस दिन मैं उसके घर पे मिलने गया लेकिन वो वहां नहीं था। तुमने इतनी पुरानी बंदूक इस्तेमाल क्यों की खून करने के लिए? आप लोगों को गुमराह करने के लिए। जिस लड़की ने तुम्हें अपने पिता समान समझा
उसी की सांसें छीन ली तुमने। साक्षी के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतना घिनौना काम किया तुमने। तुम्हारे लिए तो फांसी की सजा भी कम है। If you want to enjoy more Desi Crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.